कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज की रेसिपी है ईद स्पेशल रेसिपी, जो कि मैं बना रही थी। चांद रात की रेसिपी है ये, और रात में मैं बना रही थी जी, बहुत ही अच्छी और मेरी फैमिली की फेवरेट रेसिपी है ये, जो कि मैं ईद पे और कोई ऐसी स्पेशल ओकेज़न होती है तो मैं ज़रूर बनाती हूँ। और ये रेसिपी है जी लब्बे खास, और चूँकि रेसिपी का नाम ही ऐसा है और ये बनती भी स्पेशल ओकेजन पर ही है। नाउ मूव ऑन टू आवर रेसिपी। यहाँ पर जी मैंने टेट्रा पैक ले लिया था अगेन। ये है मेरे पास जी 1.5 लीटर का मेरे पास पैक था, और मैं जो है यहाँ पर 1.5 किलो की जो है वो बना रही हूँ। और अगर आप चाहें तो लीटर की भी बना सकते हैं, किलो के हिसाब से भी बना सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर 1.5 लीटर का पाउच था, एक पैकेट था, जिसे मैं बॉईल कर रही हूँ। अच्छा, आपने ना इसे बहुत अच्छे तरीके से बॉईल करना है, लाइक 2, 4, 3 बॉईल देना है इसे, और अच्छे से ये बॉईल हो जाए। और इतना बॉईल करना है ताकि जो मिल्क की हमारी क्वांटिटी है ना, वो उससे कम रह जाए। यानी कि हमें खीर को अच्छे से पकाना है, उसका रिच फ्लेवर करना है, और उसकी जो थिकनेस है ना, वो भी हमें मिल्क को बॉईल करके अच्छे से लानी है। यहाँ पर जो मिल्क को जो है मैंने अच्छे से 3-4 उबाल दे के अच्छे से बॉईल कर लिया था। अब मैं जो है यहाँ पर वेनिला कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये जो मैं बना रही हूँ लब्बे खास, ये जो है वो ज़्यादातर वेनिला फ्लेवर में ही अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें हमें आगे जो मिठास ऐड करनी है तो वो भी मैं वेनिला फ्लेवर का ही यूज़ करूँगी, वो आगे जाके आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर जो मेरे पास 1.5 किलो दूध था, जिसे मैंने बॉयल कर कर के 1 लीटर कर लिया, और उसमें मैंने 3 से 4 चम्मच दूध में जो है कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करके मिक्सचर बना के वो ऐड कर दिया था। देन इसे मैंने अच्छे से पकाना है, और यहाँ पर मैंने 3 चम्मच यानी कि 3 टेबल स्पून मैंने शुगर ऐड की है। 1 किलो दूध में, 1 लीटर यानी कि दूध में 3 चम्मच बिल्कुल इनफ है, क्योंकि आगे जाके इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी है। और नेक्स्ट स्टोव पर जो है वो मैंने हमारी जो कलरफुल वर्मिसेली होती है वो मैंने बॉयल करने के लिए रख दी है, वो भी बॉयल हो जाएंगी, और यहाँ पर हमारा उस टाइम तक कस्टर्ड भी ऐड हो जाएगा। जब अच्छे से बॉयल आ जाए ना, ऐसे नहीं कि आपने एक बॉयल देके इसे हटा देना है, नो, हमें इसमें बहुत 2 से 4 बॉयल देनी है। और हाँ, आप सोचेंगे इसमें मैंने कोई इलायची पाउडर यूज़ नहीं किया, कोई होल कार्डमम यूज़ नहीं किया, तो इस रेसिपी में बिल्कुल भी वो ऐड नहीं होते। हर रेसिपी के अपने इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो इस रेसिपी में मैं ऐड नहीं करती। अगर कोई और करना चाहे जिसे उसका फ्लेवर अच्छा लगता हो तो वो ऐड कर सकते हैं, बट मेरे घर में ऐड नहीं होता। तो यहाँ पर हमारा कस्टर्ड रेडी हो चुका है, अब एक साइड में हम उसे ठंडा कर लेंगे, और जो हमारे इस रेसिपी के मज़ीद इंग्रेडिएंट्स हैं हम उससे पहले रख लेते हैं। नाउ मूव ऑन टू दी असेंबलिंग टाइम। हमारी जो है वो मिक्सचर जो था, कलरफुल जो वर्मिसेली थी, वो भी अच्छे से जो है बॉयल हो गई थी, मैंने उसे भी जो है वो एक बॉल में निकाल लिया था। और यहाँ पर मेरे पास है एक पैकेट ऑफ टेट्रा पैक क्रीम, जो कि नॉर्मल कोई भी क्रीम आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं, मेरे पास ऑलपर की थी, तो उसे मैंने अच्छे से 1-2 बार विप करके अच्छे से मिक्स करके वो ऐड कर दिया है, उसे अच्छे से मिक्स किया। you know, आपको हर एक इंग्रेडिएंट को डाल के और अच्छे से मिक्स करना है, ताकि वो आपकी चीज़ उसमें अच्छे से घुल जाए। यहाँ पर जी मैंने टेट्रा पैक क्रीम ऐड कर दिया 1 पैकेट। देन मैंने 250 ग्राम जो है वो रबड़ी ऐड कर दिए, और किसी भी शॉप से आप मिठाई की शॉप से रबड़ी मंगवा सकते हैं किसी भी फ्लेवर की, तो वो मैंने इसमें शामिल कर दी। देन उसके बाद जो है वो मैंने कलरफुल वर्मिसेली जो बॉयल की थी, रंग बिरंगी सिवैयाँ, वो मैंने ऐड कर दी हैं। और यहाँ पर मेरे पास जो है वो कुछ किशमिश रखी हुई है, आप देख सकते हैं, वो मैंने जो है वो वॉश करके उसके स्टेम्स रिमूव करके मैंने थोड़ी देर के लिए उसे फ्रीज़ कर दिया था। you know, जब आप बाहर का कुल्फ़ा खाते हैं तो आपके माउथ में जो है वो एक अलग सा फ्लेवर आता है किशमिश का, तो आप समझते हैं वो कोई और चीज़ होती है, बट वो जो है वो फ्रीज़ हुई हुई किशमिश होती है। तो वो मैंने उसको थोड़ी देर फ्रीज़र में ऐड कर दिया था, रख दिया था, उसके बाद जो है मैंने उसे निकाल लिया। और यहाँ पर मैंने कुछ कलरफुल जेलीज भी जो है वो सेट कर ली थी बनाकर, ये तो बहुत आम सी चीज़ है, हर कोई बना सकता है, तो भी मैंने बना के जमा ली थी। अब मैं इस पॉइंट पर क्रीम ऐड करने के बाद, रबड़ी ऐड करने के बाद जो है वो कलरफुल जेलीज ऐड की, उसके बाद मैंने 1 टिन कंप्लीट 1 टिन बड़ा वाला मैंने जो है वो फ्रूट कॉकटेल का ऐड कर दिया, और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी।
अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी, मेरे पास कुछ कटे हुए बादाम हैं, कुछ किशमिश है, ये ऐड करनी है। और यहाँ पर मेरे पास है कुछ जो है वो कलरफुल गुलाब जामुन, छोटे छोटे से बाइट साइज़। तो अगर आपके पास कलरफुल हो तो आप कलरफुल ऐड कर दें, अगर पास वाइट हो, ब्राउन हो, पिंक हो, जो भी हो एज इट इज़ आप इसमें ऐड कर दें। और यहाँ पर मैंने कुछ बचा लिए थे जी गार्निशिंग के लिए। तो यहाँ पर जी हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। बहुत अमेजिंग बनती है, बहुत ही अमेजिंग, यानी कि बहुत अच्छा, मतलब एक बहुत अच्छा मीठा है। नो डाउट बनाने में भी जो है ना वो कोई मेहनत नहीं है, जस्ट आपने कस्टर्ड बनाना है और सारी चीज़ें जो है वो रेडीमेड है और आप उसे मिक्स करके देन फ्रीज कर दें, बिल्कुल आराम से इजीली बन जाती है। इसमें अब जो है मैंने हाफ लीटर मेरे पास थी आइसक्रीम, वैनिला आइसक्रीम, और हाफ लीटर से भी हम मैंने इसमें बहुत कम डाली है। यहाँ पर जी हमारी जो लब्बे खास जो हमारी रेसिपी बन के रेडी हो गई। मैंने आइसक्रीम डाल के थोड़ी देर छोड़ दिया था ताकि वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो अब यहाँ पर जी मैं उसे डिश आउट करने लगी हूँ, और आइसक्रीम अभी भी मेरी रह चुकी है, मैंने जो है वो उसे छोड़ दिया था कि वो जितनी रिमेनिंग रह गई है तो उसे फिर मैंने साइड में कर दिया था। अब जी मैं गार्निशिंग की तरफ आ चुकी हूँ, यहाँ पर मैं अपनी अपनी जो डिश है उसे गार्निश करने लगी हूँ। आई एम नॉट परफेक्ट इन गार्निशिंग, सो बस जैसे मुझसे हुई मैंने कर ली। सो ये थी जी मेरी ईद की जो है वो एक रेसिपी जो मैंने अपनी फैमिली के लिए बनाई थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। एंड मैं आपसे मिलती हूँ एक अमेजिंग से ईद व्लॉग के साथ प्लस ट्रैवलिंग व्लॉग, क्योंकि हम एक जगह गए थे तो वहाँ के भी कुछ क्लिप्स हैं मेरे पास। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर। मेरे चैनल को वॉच ज़रूर कीजिएगा। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय गाइज़।